हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं अभी भी हम अपने खेत में ही हैं, गांव में ही हैं। तो देखो ये हम अपने हाथ में लिए हैं कचैया, इसको कचैया बोलते हैं, पकी हुई कचैया है। और क्या ही बताएं, इतनी मीठी लगती है। देखो आपको खाना है, लो खा लो। बहुत मीठी लग रही है सच में। हमारे इधर बहुत सारी कचैया लगती है तो छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी पकी पकी हुई लगती हैं। अब पकेंगी थोड़ी देर। देखो ये हमारी मक्का खड़ी खेत में, बेबी लगी आई हैं, बुटियाँ लगी हैं मक्का की। भाई देखो कितनी प्यारी प्यारी मूंगफली खड़ी हैं। अब थोड़े दिन में हमारी मूंगफली भी पड़ने वाली हैं, लेकिन अभी भी पड़ गई हैं पर पकी नहीं है। देखो हम आपको दिखाते हैं चल के मूँगफली का पेड़ा उखाड़ के, कैसी मूँगफली पड़ गई हमारे खेत में। ये देखो दो दो बुटियाँ लगी हैं एक ही पेड़े से। अब बस बीज पड़ने वाले हैं, फिर हम इसको हम तोड़ के भूंज के खाएंगे। ये देखो ये है कचैया का पेड़, ऐसे ही हमने टूरी है कचैया, और सारी तो कच्ची लगी हुई है। ये देखो ये कच्ची कच्ची लगी है, अभी ये पक जाती है और बहुत ही मीठी लगती है। ये छोटी हैं पर बहुत बड़ी बड़ी भी लगती हैं। दूसरे खेत में हम जाएंगे तो बताएंगे। अब स्टार्ट है घोलन बना रही हूं। तो जब मुझे कहां तो रही ओके, हंसी के ले जा रही हूं। मैं दिखा रही पूरी। हेलो गाइस, तो ये देखो हम काट रहे हैं चारा भैंसों के लिए। हेलो गाइस, तो हमने देखो भैंसों के लिए काट रहे हैं चारों। कब हम दिखा पा रही, कब ना दिखा पा रही। और हमारी मम्मी बना रही है वीडियो। हमारी मम्मी अब इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो हमारी मम्मी अच्छे से मोबाइल नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा हम अच्छे से नहीं दिखा रहे होंगे तुमको। दिखाने हो? ये देखो हम चारों काट रहे हैं, ये हसिया लिए हुए हैं। ये देखो कितना ठाड़ो हम चारों दिखाने काटा भी कितने जल्दी काट रहे थे। कितने अच्छे काट रहे भी लगे तुम तो या नहीं जी। कितने बार हम नहीं काट पाते, यही मम्मी काटा, पर आज हम काट रहे हैं, मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं थोड़ी सी। और देखो पट भी लगो चारा भाई, पानी बस हो तुम तो नहीं काट भी लगे। अभी हाथ कट गया, वो तो मड़ी जन पुल ले जन खड़ा जन काट जी। देखो जज्जा ठाड़ी हमारे खेत में सो हाथ में लग गई, पकड़ ले। ये देखो बहुत दिन हो गए हैं, अभी हमारी आंख भी ठीक नहीं हुई है। क्या करें, इलाज भी करवा लिया, दिखवा भी लिया तो भी ठीक नहीं हो रही। पर अभी तो थोड़ी खुल रही है, इलाज करवा लिया था पर ज़्यादा नहीं खुल रही। थोड़ी देर तक खुलती है फिर अपने आप बंद हो जाती है। अगर आपकी जान पहचान में कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताना हमको कमेंट में। हमारे खेत पे ककोरे की बेलनियाँ खड़ी हैं, मतलब ककोरे को पेड़ों खड़ो है, बस बहुत सारे ककोरे लगे हैं। तो हम आज ककोरा की सब्जी बनाएंगे, जा रहे हैं टूर भी। हम इंदौर में रहते हैं, इंदौर में तो ककोरा पता 40 रुपये के 250 ग्राम मिला था, और हमारे इधर तो इतने ककोरे लगे कि कोई लेते भी नहीं है। हम तो खूब सब्जी बनाते फ्री में ही। यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है गाँव में रहने का और बाज़ार में रहने का। आप समझ ही रहे हो कि गाँव में बाज़ार में कितनी महंगाई है, और गाँव में तो फ्री की सब्जी मिल जाती है, कुछ भी हरी हरी सब्जी बनाने को। चलिए तो आपको दिखाते हैं हमारे इधर कहाँ पे लगे हुए हैं ककोरे, टूर रहे हैं अभी हाल ककोरे, बहुत सारी सब्जी बनाएंगे। ये देखो हमारी हमारे खेत के मेड़, ये देखो हमारे खेत की मेड़ पे खड़े हैं ककोरा, ककोरा का पेड़, उसी से हम जा रहे हैं तोड़ने के लिए ककोरा। ये देखिए ये खड़ा है ककोरे का पेड़, पेड़ों खड़ा है ककोरे को, जैसे लगी हुई है। थोड़े बहुत कल भैया टोले गए थे, कुछ देखते हैं कुछ मिल जाए, कुछ तो घर रखे हैं। मम्मी ज्यादा नहीं लगे, रवन भैया टोल ले गए कछु। अरे यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, ककोरे ही नहीं मिल रहे। ये देखो ये छोटे छोटे से ककोरा लगे हैं, थोड़े बहुत मिल जाएंगे तो हम टोले लेते। कुछ तो रखे हैं, सोच रहे थे थोड़े बहुत मिल जाते। एक तो देखो ये लगा है, बहुत सारे लगे थे, आज ही कोई टोल ले गया होगा इसलिए नहीं लगे हैं, नहीं तो इसमें इतने लगे होते कि बहुत सारे आधी किलो से ज़्यादा मिल जाते। और अभी सुबह सुबह कोई टोल लगे होगा। देखो कितनी बड़ी खड़ी बेल है इसका, एक पेड़े की। एक तो ये लगा है, चार पाँच मिल गए हैं ककोरा। देखो कितनी बड़ी भी लगी है खड़ी है, पर तो लग गया कोई इसलिए नहीं लगी है। देख रहे हो दूर दूर तक हमारा ही खेत है।
ये देखो हमारे खेत में एक खड़ी है ककोरे की भी लज्जा, हमें इसे टोले जा सब्जी बना के खिलाने। हमारे घर पे तो देखो सब कच्चू की सब्जी लगी है, करेला लगे हैं, भिंडी लगी है, तुरैया लगी, लौकी, कद्दू सब लगे हुए। हम घर पे ही, हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती बाजार से, घर से टोरी और बनाई हरी हरी सब्जी। मम्मी कोई टोल लेगा सो हमें मिले ही नहीं है, चार पांच तरह ककोरा मिले। ककोरा की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सच में। इसको बढ़िया पहले ककोरे को काट लिए, फिर इसको तेल में वो निकाल लिए, प्याज डालना हो तो प्याज भी डाल लीजिए, हम तो प्याज नहीं खाते हैं इसलिए हम सबसे पहले इनको काटते हैं और बढ़िया तेल में वो निकाल के और मसाले में छौंक देते हैं, पर बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बनाना, और अगर आपके इधर पैसे मिलते तो हमारे दस ले जाओ फ्री में हम फ्री में ही टोर के दे देंगे आपको। मम्मी ने तो काट लिया है चारों भैंस के लिए, हमें भी चार पाँच तक भैंसे हैं तो 40-45 पूरा काट लिए। अब हम दोनों बढ़िया जा रहे हैं घर पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।